औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो जो क़यामत का वक्त आ रहा, आप दुनिया का जायजा लो। आज रशिया एक मामूली मुल्क यूक्रेन पर जो है जुल्म कर रहा, जहां मेरे मुसलमान भाई भी है जो नमाज पढ़ रहे और वो बता रहे कि जो है ये जुल्म कर रहा शैतान पुतिन। और ये बदबख्त को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन्हें बहुत हिमाकत कर लिया तो साबित करो। बोलो, अलेक्जेंडर दुनिया में पूरा वर्ल्ड ऑक्यूपाई करा, कांकर किया, फतेह हासिल की, और जाते वक्त तलवार से जो फतेह हासिल की वो भी साथ नहीं ले जा सका। दुनिया से जाते वक्त तलवार को भी दुनिया में फेंक कर चले गया और बोला मेरे हाथ खाली जा रहा हूं मैं। तो क्या इससे अकल नहीं आ सकती? पूरी दुनिया को नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि किसी की किताबों में न्यूक्लियर के ताल्लुक से कोई बोला ही नहीं, कोई किताबों में नहीं बोला न्यूक्लियर के ताल्लुक से। न्यूक्लियर क्यों बना रहा वेपन आदमी? स्वाड क्यों छोड़ दिया? क्यों जो है ये नाटो सिस्टम है, ये नाटो के अंदर 6-7 कंट्री सिर्फ क्रिश्चियन कंट्रीज, और क्यों इन लोग रशिया और चाइना को नहीं रोक सकते, यूक्रेन पे हेल्प करने नहीं रोक सकते? क्योंकि ये गे है, ये इनका गार्ड नहीं है, इनका खुदा नहीं है, इनका बेटा नहीं है, उन्हें आके मदद नहीं दे सकता। पेंडेमिक में मदद नहीं दिया, ये सबसे ज्यादा अमेरिका में मरे साबित है, पेंडेमिक में हिंदू इंडिया में मरे, ये गे कंट्रीज है, गे गार्ड है इनके, इनके पास मर्दानगी नहीं है। सोचो अगर से यूक्रेन के अंदर 18,000 या 16,000 जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो बच्चे नौजवान फंस गए, वो बेचारों के दिल हिल गए, वहां पर जो है न्यूक्लियर यूज करा रशिया, तो अब अंदाजा करो ये कैसा साबित कर सकता पूरी दुनिया को कि जो इन एक जो है अलेक्जेंडर बना हुआ है, बोले साहब सिकंदर बना हुआ है, सिकंदर आजम, हाथ खाली फतेह अली खान जाने वाला। दुनिया को हकीकत क्यों नहीं समझ में आ रही? दुनिया को यह हकीकत क्यों नहीं समझ में आ रही कि आदम को अल्लाह ने पानी से बनाया? दुनिया को हकीकत क्यों नहीं समझ में आ रही कि आदमी दुनिया के अंदर यह भी देख रहा कि पानी से तरकारी भी बनी हुई है, पानी से कोकोनट बना हुआ है, नारियल, पानी से वाटरमेलन बना हुआ है, पानी की जो जितनी जो जात है, सेलरी हम खाते पूरा पानी है, हर चीज पानी से, सिर्फ इंसान के अंदर ताकत देता, उसके बाद कुछ नहीं, शहद देता एप्पल खाने से, पानी। इस वास्ते स्टेज पे भी आके खड़े खड़े गिर जा रहे, मर जा रहे, जैसा क्रिकेट में बैट्समैन आता रन आउट हो जाता या क्लीन बोल्ड हो जाता, वैसा मर जा रहे। देखो इंडिया में क्या हो रहा है, स्टेज पे गिर गया राजनाथ, स्टेज पे मर गया हार्ट अटैक से बीजेपी का लीडर गुजरात में, स्टेज छोड़ के भाग गए अमित शाह, स्टेज छोड़ के भागी वो धेड़नी, वो बीजेपी की हिंदी औरत, ये नामर्द, ये लोग को औलाद नहीं पैदा करे। इस वास्ते यूक्रेन के बच्चों की कोई मदद नहीं करा, कौन? मोदी, क्योंकि उसको औलाद नहीं है, बीवी का भी प्यार नहीं मिला, बदकिस्मत, उन्हें नामर्द क्या कर सकता मदद? बच्चों की हालत तो हम समझ सकते, हमारे को औलाद है बोल के हमारे दिल हिल गए। मैं आज भी कल से आज तक यही सोच रहा हूं कि ये बच्चों का क्या हुआ होगा, अब ये इंडिया गए या नहीं गए, मगर हम दुआ तो कर सकते अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह इंसान आदम को नहीं पहचाना, अल्लाह इंसान को तूने पानी से पैदा किया, अल्लाह इंसान मिलके नहीं रहता बोला, अल्लाह इंसान लड़ लेगा बोल के साबित कर रहा, क़यामत तक लड़ लेगा। योगी को देखो, उन्हें भी ना मरद, उन्हें तो चैलेंज कर दिया, अगर से तुम मेरे को इलेक्शन में नहीं जीता तो मैं तुम्हारे घरों पे बुलडोजर डाल दूंगा। ये कौन सी हुकूमत चल रही यारो? एक बच्चा नहीं पैदा करने वाला तुम्हारे घर को तबाह कर देगा, तुम औलाद वालों को, तुम बीवी माँ बाप सब रखने वालों को, तुम्हारे घर को जाड़ देगा। एक बच्चा नहीं पैदा करने वाला हिजड़ा, एक बच्चा नहीं पैदा कर सका, बीवी भाग गई छोड़ दी, या उसको इन्हें जाके नहीं देख सका मोदी, ऐसा हिजड़ा, ये बच्चों के दर्द कैसा समझ सकते लोग बताओ? इनके मुल्क में अगर से इनका खुदा होता तो ये बच्चे दूसरे ममालिक जाके कई को एजुकेशन लेते। एक जमाने से हम सुनते लंदन जाके
एजुकेशन लिया इंडिया का आदमी हमारे जमाने में, हमारे भाई जो यहाँ पर 70 साल पहले आए थे इंडिया से इंजीनियरिंग करने अमेरिका में, तो ये दौलत ही नहीं है इनके पढ़ाई की, क्योंकि उनकी किताब खुद लड़ने की है वो गीता और वेद, खाली लड़ो मरो, अच्छा मरने के बाद में क्या मिलेगा, गुड फॉर नथिंग। अरे तुमको समझ ही नहीं आ रहा रे कि जो है पानी से इंसान पैदा करा, तुमको समझ में नहीं आ रहा सिकंदर हाथ खाली गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा ये न्यूक्लियर से मर्दों की तरह नहीं लड़ रहे तुम, फाइट जो लड़ते थे पहलवान लोग, कुश्ती लड़ते थे पहलवान लोग, ताकत दिखाते थे ग्राउंड में, बॉक्सर दिखाते थे, वो खत्म हो गया, अब लोहे से मारोगे, न्यूक्लियर तुम्हारे खुदा दिया ही नहीं, ना हिंदू खुदा दिया ना क्रिश्चियन खुदा दिया। अल्लाह तुम लोगों को गादत करे जो इंसानियत को नहीं समझ रहे, पूरी दुनिया के अंदर इंसान मिलके नहीं है, गौर करो रशिया चाइना मिल गया, नाटो वाला फटी हुई साले की वो जाके रोक नहीं सकता, हाँ इंडिया के बच्चों को ला नहीं सकता हिंदू साले, खुदा है इनके पास बोलता झूठा, पेंडेमिक को नहीं रोक सकते साले, हाँ तुम्हारी अल्लाह ऐसी हालत करे क़यामत में, दुनिया में बता रहा कि जो अव्वाल खेनो फूट रहा, दुनिया में बता रहा कि न्यूक्लियर से इंसान को मार दे रहा। अरे पुतिन तेरे को समझ में आना चाहिए कि तेरे पास अगर तेरे घर के ऊपर ऐसा होता तेरा घर उजड़ जाता, तेरे को एहसास होता, तेरे घर के माँ बाप मरते या तेरी बीवी बच्चे मरते तेरे को एहसास होता, तेरे को विश्वास से एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जैसे माँ बाप वाला नहीं है तू, हमारे जैसे घर है हमारे आबाद वैसे नहीं है तेरा, तू तो एक भिखारी है जो लोहे के ऊपर लड़ रहा दम पे, मैंने मेरा भाई मरद बोलते उसको, अल्लाहू अकबर।